हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और सर क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 121 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 122 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं ऑफिस में चिराग ने देखा कि एक और इंसान कभी केबिन में अपने बाल नोचते हुए बाहर आया। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी भी समय पागल हो सकता है। मतलब कभी ने उसे ऐसी ऐसी बात कही थी कि उसने अपने सपनों में नहीं सोचा था कि कभी कोई उसे इस चीज़ के लिए भी डांट सकता है। उसकी तो ऐसी हालत हो गई थी, उसे अब अपने काबिलियत पर भी शक होने लगा था कि वो इस प्रोजेक्ट करने के लिए को हैंडल करने काबिल है भी या नहीं। वो क्या था कि कबीर ने जब एक प्रोजेक्ट दिया था और उसका प्रेजेंटेशन तैयार करने को बोला था, पर उस आदमी की किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो आज ही वो प्रेजेंटेशन तैयार करके कबीर के पास आ गया था। और क्या था, कबीर का मूड ठीक था नहीं, वो उसने उस आदमी को बहुत कुछ सुना दिया था। ये देखकर सिराग खुद से ही बोला, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा, वरना पता नहीं भाई के गुस्से को किसका सामना करना पड़े। वैसे भी कबीर के बिना गुस्से के इतना ख़तरनाक लगता है, और आज गुस्से में तो वो और भी नरक का देवता से कम नहीं लग रहा था। इसलिए आज सब बहुत डरे हुए थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कबीर के पास जा सके। वहीं चिराग को भी पता नहीं था कि अगर वो इस समय कबीर के पास गया तो हो सकता था कि उसे भी कबीर के गुस्से का सामना करना पड़े। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और श्रेया को कॉल किया, क्योंकि एक श्रेया ही तो कबीर के गुस्से को शांत कर सकती थी। पर श्रेया ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। ये देख के वो मायूस हो गया। वहीं दूसरी तरफ श्रेया अपना पेट पकड़ के रो रही थी, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या। वो हब्बी को कॉल करके नहीं कह सकती थी, वो हब्बी को कॉल करे कि नहीं, कहीं उसके कॉल करने से कबीर गुस्सा हो गया तो। ये सब सोच उसके वो और ज़ोर से रोने लगी। रोते हुए बोली, अभी प्लीज़ जल्दी आ जाइए, अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। पीरियड के कारण श्रेया अपने इमोशन को काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह रोए जा रही थी। वहीं आज कबीर जल्दी वापस आ गया था, क्योंकि उसे सुबह से ही बहुत बेचैनी हो रही थी। वो श्रेया को कॉल करना तो चाहता था और पूछना चाहता था कि वो ठीक है कि नहीं, पर उसने उसे फ़ोन किया उसका ज़मीर इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। पर फिर जब उसने जल्दी से उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो जल्दी घर आ गया। घर पहुंच के उसने एक नौकर से पूछा, श्रेया कहाँ है। ये सुनकर नौकर डरते हुए बोला, सर मैडम तो सुबह से ही अपने कमरे में हैं, यहाँ तक कि वो दोपहर से खाने के लिए भी नीचे नहीं आई थी। ये बोलकर नौकर डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि ये सुनकर कबीर के आस पास का और भयानक हो गया था। फिर वो बिना कुछ बोले ऊपर चला गया, क्योंकि उसे सबसे पहले श्रेया को देखना था। वहीं कबीर के जाने के बाद नौकर ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि सबको पता था कि कबीर श्रेया को लेकर कितना पॉजिटिव है। एक नौकर तो श्रेया को लंच के लिए बुलाने भी गया था, पर श्रेया ने दरवाज़ा खोला ही नहीं, तो इसमें उसकी क्या गलती। वहीं कबीर ने जैसे ही रूम में पहुंचा, सामने किनारा देख के उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि श्रेया अपना पेट पकड़ के रो रही थी और श्रेया को उस तरह तो देख वो घबरा गया। फिर कबीर जल्दी से श्रेया के पास गया, उसे गले लगाते हुए बोला चिंता भरी आवाज़ में बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। वहीं कबीर को देखकर श्रेया खुद को काबू नहीं कर पाई और कबीर के गले लग के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वहीं श्रेया को इस तरह रोता देख कबीर ने अपनी मुठियाँ भींच ली, क्योंकि उसे श्रेया का रोना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर उसने अभी खुद को कंट्रोल किया, वो अभी श्रेया पे गुस्सा नहीं करना चाहता था, क्योंकि श्रेया अभी दर्द में थी। फिर वो श्रेया के गाल पे हाथ रखते हुए प्यार से बोला, बच्चा क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो, मुझे बताओ क्या तुम्हें कोई दर्द हो रहा है। क्योंकि वो रूम में आया था तो उसने देखा था कि श्रेया अपना पेट पकड़ के रो रही थी। वहीं कबीर की इतनी प्यार भरी आवाज़ सुनकर श्रेया ने अपनी आंसू से भरी आंखों से कबीर की तरफ देखा और जल्दी से कबीर को किस कर लिया। वहीं श्रेया की अचानक से इस तरह किस करने से कबीर हैरान हो गया, क्योंकि श्रेया कभी भी उसे किस नहीं करती, हमेशा उस वही होता था जो उसे किस करता था।
पर उसने श्रेया को खुद से दूर नहीं किया। श्रेया जो कर रही थी उसे करने दिया। श्रेया को किस करना नहीं आता था, इसलिए बस कबीर को बस किस कर रही थी। वहीं कबीर को इससे को पर वहीं कबीर को इतने प्यार से किस करता देख श्रेया को बहुत अच्छा लग रहा था। वो इसी चीज़ को तो मिस कर रही थी। उसे कबीर के प्यार की इतनी आदत हो गई थी कि एक दिन कबीर उसके बाद उसके साथ बेरुखी से पेश आया। उसकी ये हालत हो गई। वहीं श्रेया और कबीर पागलों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन्हें ऐसा देख के ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को ही निकल जाएंगे। वहीं जब थोड़ी देर बाद श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो कबीर ने उसे छोड़ दिया। कबीर के छोड़ते ही श्रेया ने कस के कबीर को लगा लिया। उसे डर था कि कहीं उसे कभी छोड़ के ना चला जाए। वहीं कबीर भी महसूस कर सकता था श्रेया डरी हुई है। ये देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि वो अपने गुस्से में इतना अंधा हो गया है कि उसने देखा कि उसके इस तरह पेश आने की वजह से श्रेया को कैसा हो गया। फिर वो प्यार से उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगा और बोला, वाइफी तुम रो क्यों रही थी? ये सुनकर श्रेया धीरे से बोली, वो मेरे पेट में दर्द हो रहा था। वहीं श्रेया की बात सुनकर कबीर की आंखें छोटी हो गई। वो श्रेया को खुद से दूर करते हुए बोला, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? तुम्हें मुझे क्यों नहीं बताया? क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? कबीर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसने सोचा, पता नहीं श्रेया कितनी देर से दर्द सह रही है। फिर वो उठा और बोला, चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। वहीं कबीर की इतनी फिक्र करता देख श्रेया को बहुत अच्छा लग रहा था। पर जब उसने जब हॉस्पिटल वाली बात सुनी तो जल्दी से कबीर को मना करते हुए बोली, नहीं हब्बी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में वो अब बिल्कुल ठीक थी। उसे अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। वैसे भी उसके पीरियड आए थे और पीरियड में दर्द होना आम बात थी। वो बस इस बार उसके पीरियड जल्दी आ गए थे इसलिए बहुत दर्द हो रहा था। और कबीर उससे नाराज़ भी था इसलिए उसका मन अभी ठीक नहीं था, इसलिए वो बस रोई जा रही थी। वहीं श्रेया की बात सुनकर कबीर नहीं माना और श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया। और कबीर को ये करता देख श्रेया जल्दी से बोली, हब्बी वो मेरे पीरियड आ गए थे इसलिए मेरा पेट दर्द कर रहा था। वहीं श्रेया की बात सुनकर कबीर रुक गया और श्रेया की तरफ देखा जिसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 122 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड 122 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी में कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।